सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 17 को कलर्स पर प्रसारित होते हुए लगभग ढाई महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। शो में अब हर कंटेस्टेंट की यही कोशिश है कि वह कुछ भी करके बस इस विवादित शो का टॉप कंटेस्टेंट बन जाए। इस शो में आयशा खान और मुनव्वर फारूकी के बदलते रिश्ते से लेकर अंकिता लोखंडे और विकी जैन की झड़प तक फैंस को भरपूर मसाला मिल रहा है। बीते हफ्ते शो की कैप्टन ईशा मालवीय ने अनुराग के बाद जब अचानक से ऐश्वर्या शर्मा को सलमान खान के शो से एलिमिनेट किया तो हर कोई हैरान रह गया। अब हाल ही में ऐश्वर्या के बाद ईशा मालवीय एक बार फिर से अपनी कैप्टेंसी का भरपूर फायदा उठा रही हैं। हाल ही में उन्होंने दो और कंटेस्टेंट को शो से बेघर होने के लिए नॉमिनेशन में डाल दिया है। ईशा मालवीय इस सीजन की भले ही सबसे छोटी कंटेस्टेंट हो लेकिन जिस तरह से वह गेम खेल रही है वह अंदाज भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। द खबरी की रिपोर्ट की माने तो हाल ही में ईशा मालवीय को बिग बॉस ने उनकी कैप्टेंसी में यह मौका दिया कि वह इस हफ्ते के नॉमिनेशन में किन्हीं दो सदस्यों को डाल सकती हैं। उड़ारिया एक्ट्रेस के हाथ में जैसे ही बिग बॉस ने ये पावर दी उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले इस हफ्ते शो से बाहर करने के लिए जिस सदस्य को चुना वो थे अभिषेक कुमार, जिनकी ईशा के साथ कई बार लड़ाई देखने को मिली है। इसके अलावा ईशा की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर वाइल्ड कार्ड एंट्री और मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान। बिग बॉस द्वारा दी गई पावर के बाद उन्होंने इन दो कंटेस्टेंट्स को इस हफ्ते के नॉमिनेशन में डाल दिया है। अभिषेक कुमार और आयशा खान के अलावा इस हफ्ते शो से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं उसमें तीसरा नाम रिंकू धवन का है और चौथा नील भट्ट का है। नील भट्ट को तो विक्की जैन ने शो में पूरे सीजन के लिए ही नॉमिनेट कर दिया था। गेम को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते शो से रिंकू धवन का पत्ता साफ हो सकता है क्योंकि ऐश्वर्या के जाने के बाद अब नील पूरा बदला लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं।